वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल टीच यू सम अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू चैप्टर 12 द अर्थ एंड इट्स कंपेनियंस। ओके, सो अटेंड टू मी। बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 12 में कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और चूंकि यह लास्ट चैप्टर है तो इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, फेज ऑफ द मून, इसमें हम आपको बता दिए थे कि फेज ऑफ द मून क्या होता है। अब इसमें देखिए, न्यू मून, तो व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल। जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में रहता है तो हम लोग मून को जो है नहीं देख पाते हैं, इसे हम लोग न्यू मून के नाम से जानते हैं। इट इज डार्क ऑन द न्यू मून नाइट। न्यू मून नाइट में क्या होता है, आपको जो है यह डार्क होता है। क्रिसेंट मून, व्हेन वी सी ए स्मॉल सन लाइक पोर्शन ऑफ द मून सरफेस इट इज कॉल्ड क्रिसेंट मून। हम लोग जब मून का कुछ ही पार्ट देख पाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट मून कहते हैं। हाफ मून, व्हेन वी सी हाफ ऑफ द मून इट इज कॉल्ड हाफ मून। जब हम मून का आधा पार्ट, हाफ पार्ट देख पाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, हाफ मून, ठीक है। गिबस मून, व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून इट इज कॉल्ड गिबस मून। जब हम लोग हाफ से ज़्यादा मून को देख पाते हैं तो उसे हम लोग जो है गिबस मून के नाम से जानते हैं। फुल मून, जब हम लोग पूरा मून को देख पाते हैं, व्हेन वी सी कंप्लीट मून इट इज कॉल्ड फुल मून, तो हम लोग उसको जो है फुल मून के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जानिए स्टार्स के बारे में। तो स्टार्स आर बिग हेवनली बॉडीज दैट हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स ऐसे बिग हेवनली बॉडीज हैं जिनके पास अपना लाइट होता है। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर मच बिगर देन आवर ओन सन। बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो हमारे सन से भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो इतने छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे काफ़ी बहुत ही दूर हैं, बहुत बहुत दूर हैं हमसे। जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए ये काफ़ी छोटे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं स्टार्स को जो है टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टार्स जो हैं वो हमेशा स्काई में रहते हैं, लेकिन हमें जो है सिर्फ नाइट में ही दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में सन का लाइट इतना ज़्यादा रहता है ना, इतना ब्राइटर होता है कि हम स्टार्स को जो है दिन में नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसे आगे बताएंगे और चैप्टर समाप्त होने के बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू।